आज हमारे पास एक पेशेंट रेफर हुआ जिसकी दो दो नजर आने की कंप्लेंट थी। आपने देखते ही पेशेंट को कहा कि इसकी फ्रैक्शन से करेक्शन हो जाए, तो यूजुअली आप डिप्लोपिया चार्टिंग करते हैं, तो इसके बारे में काइंडली मुझे एक्सप्लेन कर जी। वो पेशेंट जो था, मैंने उसको बिल्कुल ही नहीं रैंडमली बोल दिया, बल्कि मैंने उसको उसकी हिस्ट्री सुनी। हिस्ट्री में उसने बताया कि जब से मुझे ये एनक लगी है, उस एनक के बाद मुझे दो दो चीज़ें नजर आ गई। अगरचे उसको भेंगापन भी था मगर फिर भी मैंने उसकी भेंगापन की डिटेल में नहीं किया, मैंने उसकी रिफ्रैक्शन के ऊपर जोर इसलिए दिया क्योंकि पेशेंट ने वहाँ पर इस बात का के ऊपर एम्फेसिस किया कि मुझे इस एनक के लगने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो इसलिए आपने देखा कि फिर आपने रिफ्रैक्शन की तो उसका वो डबल खत्म हो गया। जैसे मैंने उनकी रिफ्रैक्शन की है वो सेटिस्फाई भी हुए, उनका डबल पीएल की कंप्लेंट भी रोल आउट हो गई थी और वो सेटिस्फाई होकर थैंक यू बोलते हुए चले जी। तो इसलिए जो पेशेंट की डायग्नोसिस और उसकी एग्जामिनेशन की जो प्रोसीडिंग है वो उसकी हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, इसलिए सबसे केयरफुल पेशेंट की हिस्ट्री लें और फिर उसके अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन करें और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट का डायग्नोसिस आपका होगा और उसको आप ट्रीट करेंगे। सो द टेक होम मैसेज फ्रॉम टुडे केस इज दिस, वेन एवर यू एग्जामिन द पेशेंट यू ऑलवेज एम्फसाइज ऑन द हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री विल गाइड यू हाउ टू एग्जामिन एंड वट टेस्ट यू विल प्रिस्क्राइब एंड वट इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड एंड वट डायग्नोसिस विल बी द पेशेंट एंड हाउ इट विल बी ट्रीटेड। सो केयरफुली स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज हिस्ट्री टेकिंग।